अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीलॉग है वो है जी ग्लोरी इंजिन्स के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने ग्लोरी इंजिन्स विज़िट किया होगा और बहुत सारे दोस्तों ने नहीं किया होगा। वीडियो उनके लिए जिन्होंने नहीं विज़िट किया उसको, उनका मेन्यू भी आज की वीडियो में एंड में आपको मिल जाएगा और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। जिन्होंने नौशहरा में अगर किसी ने ग्लोरी इंजिन्स का विज़िट नहीं किया तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा इनकी मेन्यू के बारे में भी और कहाँ पे मौजूद है ये। जी मेन जीटी रोड हकीमाबाद के पास आपको मिल जाएगा। इनका अच्छा सेटअप है। इंटरनल तो मैं आज नहीं दिखा सकूंगा, नेक्स्ट टाइम किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो आपको इंटरनल इनका व्यू भी दिखा दूंगा कैसा है अंदर से। बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, छोटा सेटअप लेकिन अच्छा सेटअप है। फैमिली के साथ आएँ, वहाँ भी खा सकते हैं, टेक अवे भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी करवा सकते हैं। मैंने आज का ऑर्डर टेक अवे का है क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मैं यहाँ नहीं खा पा रहा, तो टाइम टाइम नहीं था अवेलेबल और कुछ और रीज़न से पर्सनली, तो मैं आज टेक अवे कर रहा हूँ। यहाँ के मैं काफ़ी चीज़ें खा चुका हूँ, मुझे इनके सब चीज़ें अच्छी लगी हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ रही थी ट्राई की, आज मैंने यहाँ से वो भी ट्राई की है, तो आज आपसे वो भी शेयर करता हूँ कि कौन सी नई चीज़ है जो मैंने आज यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ और उसके बारे में बताता हूँ आपको। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको भी यहाँ का फूड अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो उनके लिए जिन्होंने यहाँ विज़िट नहीं किया, इस वीडियो के अंदर आपको आगे मेन्यू भी इनका मिल जाएगा, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी प्राइसेस की रेंज क्या है। और इसके अलावा अक्सर लोग ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं, जो ब्रांड्स के बड़े ब्रांड्स होते हैं, वहाँ खाने के लिए शायद इस वजह से भी नहीं जाते कि वो देख समझते हैं शायद वहाँ चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन बिलीव मी, आप जब इनका मेन्यू देखेंगे तो आप कंपैरिजन कीजिएगा अपने किसी लोकल किसी रेस्टोरेंट्स के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ एज़ कंपेरेटिवली जो चीज़ें मैं दूसरे रेस्टोरेंट्स में खाता हूँ वहाँ यहाँ बहुत मुनासिब प्राइसेस में, एक ब्रांड होते हुए भी यहाँ बहुत मुनासिब प्राइस में। वीडियो में आगे आ चल के आपको आज का ऑर्डर भी मेरा मिल जाएगा कि मैंने आज क्या ऑर्डर किया। वैसे तो मैं वहाँ जाके खाता हूँ लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं जा पा रहा। सून जब भी जाऊँगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तो आपको वहाँ की जाके अंदर की वीडियो भी दिखाऊँगा। आज तो मैंने सिर्फ टेक अवे का ऑर्डर किया था एक, तो देखिए आज मेरा टेक अवे का ऑर्डर मैंने क्या ऑर्डर किया है और उनके प्राइसेस क्या हैं और देखिए कि खाना कैसा है। वीडियो में बंधे रहिए और दुआ में याद रखिए हमेशा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इनका पिज़्ज़ा और स्टेक और इनका जिंगर। स्टेक तो मैं पहले भी खा चुका हूँ, बहुत मज़ेदार है इनका। पिज़्ज़ा भी इनका बहुत आला किस्म का है और जिंगर फर्स्ट टाइम मैं इनका ट्राई कर रहा हूँ, तो लेट्स सी, खा के बताऊँगा इंशाल्लाह कि कैसा है और क्या टेस्ट था। तो वीडियो में लगे रहिए। प्राइसेस आप देख सकते हैं, इसमें कुछ GST में ऐसी लगती है लेकिन प्राइसेस इनकी बहुत मुनासिब हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, तो देखिए ख्याल से ये स्टेक है। स्टेक मैं पहले भी खा चुका हूँ इनका और आज बस घर मंगवाया है, तो वैसे मैं वैसे उधर जाके खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, तो घर मंगवाया आज, घर देखते हैं कि घर में कैसा पहुँचा है इनका। ठीक है जी, और स्टेक तो माशाल्लाह से अच्छा है, यहाँ भी अच्छा ही पहुँचा है और साथ में ये लोग देते हैं। वैसे मैश पोटैटो मैंने मांगा था लेकिन जो है ना इसके साथ जो मुझे इस वक्त मिला है ना वो फ्राइज मिली है। इसके अलावा मेरी बेटी को इनका जो है ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो पिज़्ज़े तो मैं लाजमी मंगवाता हूँ और पिज़्ज़ा इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। नौशहरा में अगर मुझे कोई पिज़्ज़े वाला नज़र आया है ना और अच्छा पिज़्ज़ा मिला है तो वो ग्लोरिया जीन्स का है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। जिंगर मैं फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है इनका, तो जिंगर भी मुनासिब है और ये कहते हैं कि हमारा जिंगर KFC से अच्छा है। तो लेट्स सी, मैं खा के फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में, व्यूज़ में रिव्यूज़ में तो मैं लाजमी बताता हूँ कि कैसा है। तो स्टेक का बता चुका हूँ, स्टेक लाजमी खाइए, बहुत अच्छा है, इनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है। जिंगर खा के आपको एंड में बताऊँगा कि कैसा है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार मैं इनको 100 में से 100 ना मार्क्स दूंगा जिंगर में। बिलीव मी, KFC का मुझे बहुत अच्छा लगता था जिंगर,
मुझे जब भी चांस मिलता था मैं KFC का बर्गर लाजमी खाता था मैं, लेकिन आज बहुत पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ग्लोरिया जींस का मैंने जिंगर ट्राई किया है और बहुत मुनासिब प्राइस में और बहुत मज़ेदार है। मैं कहता हूँ कि KFC को ही बीट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ट्राई कीजिए, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मैं इनका पिज़्ज़े में ना 2-3 फ्लेवर्स खा चुका हूँ, सारे अच्छे हैं। क्रीमी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज टिक्का मंगवाया है। इसके अलावा इनका अगर स्टेक खाते हैं तो मैं इनका क्रीमी जो है ना, इनका स्टेक भी क्रीमी वाले ट्राई करता हूँ। स्टेक कोई भी ट्राई कर ले, बहुत अच्छे हैं इनके स्टेक्स, बहुत मुनासिब प्राइसेस में और बहुत मज़ेदार है। तो लाजमी शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर कीजिए, और चांस मिले तो नौशहरा के ग्लोरी जींस में आइए और लाजमी खाएँ इस, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि आपको इनकी क्या चीज़ अच्छी लगी है। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।